नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राज्यसभा में इस समय सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण बिल पर बहस हो रही है। विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर तो है, लेकिन बिल को ज्यादातर विपक्षी दलों के समर्थन की उम्मीद है। इसीलिए अब जब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण एक हकीकत बनने की ओर बढ़ चला है, तो कुछ बड़े मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। इस बिल में जाति धर्म का अड़ंगा नहीं है, लेकिन कितनों को इसका फायदा मिलेगा, यह सवाल उठ रहा है। विपक्ष ने जिस बात को लेकर सरकार को सबसे अधिक घेरा है वो ये है कि जब सरकारी नौकरियां कम हैं, तो बड़ी आबादी इसका फायदा उठाएगी कैसे। भारत में आरक्षण व्यवस्था इसीलिए लागू की गई थी कि समाज में बराबरी लाई जा सके, लेकिन अब सामाजिक के साथ साथ आर्थिक आधार को आरक्षण के लिए चुना गया है, तो सवाल ये भी उठा है कि क्या इतने अवसर हैं कि सबको बराबरी मिल सके। इन सवालों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे देश के सभी गरीबों को इंसाफ दिलाने वाला कदम बताया है। इसलिए आज हम दंगल में पूछेंगे कि आरक्षण पर अब जाति धर्म की लड़ाई क्या खत्म होगी, आरक्षण पर सबको इंसाफ मिलेगा या गोलमाल होगा, नौकरी है नहीं तो सिर्फ आरक्षण से बराबरी कैसे आएगी, आरक्षण की सीमा और बढ़ाने का रास्ता खुला है। 21वीं सदी के भारत के लिए आरक्षण बढ़ाते जाना क्या सही है? यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। और चुनाव में जो आपकी सेवा लोगों ने करी है, अच्छे दिन की, जिनको आपने अच्छे दिन दे दिए, तो आप कभी भी ना लाते। इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। देश में आरक्षण आर पार के जुबानी वार भले ही चल रहे हों, लेकिन राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी एनडीए को सामान्य वर्ग कोटा बिल पास होने की उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि बिल के विरोध का मतलब बड़ी आबादी को नाराज करना है। खुद सरकार की ओर से बहस करने वाले मान रहे हैं कि इस 10% कोटा के बाद देश की लगभग 95% आबादी आरक्षण के दायरे में होगी। बिल ही ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। विपक्ष के अधिकतर दल सामान्य वर्ग कोटा बिल के साथ तो हैं, लेकिन नियत को लेकर सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे। ये तो वोटर बोला है, गरीब बोला है, किसान बोला है, तो आपने कहा अब हम कुछ करें। आप सोचते हैं कि पूरा देश एक आवाज में आपके साथ खड़ा है और आपने सब कुछ कल्याण कर दिया, पर आपने, आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी करी। मैं आज सदन में कहना चाहता हूं, देश के नौजवान और किसान के साथ वायदा खिलाफी करी है। केवल ये इसको संविधान संशोधन से गरीब का पेट नहीं भरेगा। अगर सही माने में आपके मन में, आपके दिल में ईमानदारी होती, तो ये बिल 2-3-4 साल पहले आ सकता था, कुछ लोगों का भला हो सकता था। तो देश के सबसे जाने माने समझदार कौमों को अगर मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को आपकी सरकार की बुद्धि पर तरस आता है। विपक्ष की खींच बीजेपी समझ रही है, इसलिए हर जाति धर्म के बीच पैठ बनाने के सरकार के इस दांव की कामयाबी से पार्टी कितनी गदगद है, इसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से समझा जा सकता है। जो 10% आरक्षण की बात की है, मैं समझता हूं कि एक और अम्बेडकर, जिन्होंने गरीबों की चिंता की है, जिसने समाज के उन कमजोर लोगों की चिंता की है, वो 21वीं सदी के अंबेडकर पैदा हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है और स्वागत किया जाना चाहिए। मोदी को आज का अंबेडकर बताने का यह दांव इसलिए है ताकि ये साबित किया जा सके कि सबका साथ सबका विकास के वादे को पूरा किया गया। रुड़की से चांदनी कुरैशी, सोलापुर से कमलेश सुतार और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। और सरकार ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया था कि किस किस को फायदा मिलने की उम्मीद है, इस 10% के दायरे में कौन कौन आएगा। आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने क्या कहा था। आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य अन्य प्रकार की
ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आती है, उसमें उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है, और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है, और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर है, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। अब परिचय करा देते हैं उन मेहमानों से जिनसे हम अगले एक घंटे में चर्चा करेंगे दंगल में। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी। इसके अलावा देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं, और हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। हम पहले प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि सभी पार्टियां दरअसल जो भी सदन में बोल रही हैं, लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम साथ हैं। एक डर दिखता है आप लोगों में कि कहीं चुनाव में ये जातियां हमसे अलग ना हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद हम विरोध करेंगे। सिर्फ एक टाइमिंग को अगर हटा दिया जाए तो भी क्या आपको आपत्ति है इस 10% से? सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं श्वेता जी कि जहां जहां आर्थिक तरीके से कोई कमजोर वर्ग है और उनकी इस रिजर्वेशन के जरिए उनकी मदद हो सकती है, हम सहायक बन सकते हैं और उनके लिए सम्मान वाली जिंदगी ला सकते हैं, वो स्वागत योग्य है और वो हमने बकायदा कहा है लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में जब कल वोटिंग हुई थी तो खुद श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसको एक सहमति में वोट भी डाला था। तो मैं मानती हूँ कि देश के कोई भी ऐसे इंसान को दिक्कत इस रिजर्वेशन से नहीं होगी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करता है और एक इक्वल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ता है। हमने सरकार पर सवालिया निशान सिर्फ टाइम को लेकर नहीं उठाए हैं, हमने ये भी लेकर उठाए हैं कि जब 7.3% पे आज बेरोजगारी की आंकड़े सामने आते हैं, जो सबसे अधिक परसेंटेज है देश में, आप देखते हैं कि 1.1 करोड़ नौकरियां पिछले साल में ही गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है वहां की महिलाओं ने और ऐसे पिछड़े वर्गों ने जिनकी सहायता करने लायक नहीं रही ये सरकार। तो अब आकर पिछले जो 2 महीने रह गए हैं आप इसको पास करने की कोशिश करते हैं तो सवालिया निशान आपके राजनीतिक मौका परस्ती पे उठता है। पर हम फिर भी कहेंगे कि जो भी चीज ऐसे वर्ग को सहायता देती हो और उनकी उम्मीद बढ़ाती हो और एक इक्वल सोसाइटी की तरफ प्रोग्रेस करती हो, हम उसको स्वागत योग्य मानते हैं और हमने अपना समर्थन अपने वोट के जरिए भी लोकसभा में दिया है। लेकिन शक्ति सिंह यादव, आरजेडी की तरफ से रुख जो था बहुत स्पष्ट शब्दों में सामने रख दिया गया, आपको नहीं लगता कि आज के दौर का जो भारत है वहां पर आर्थिक समानता उतनी ही जरूरी हो चुकी है? श्वेता जी, मैं आर्थिक समानता के खिलाफ में कतई नहीं, हमारी पार्टी है और आर्थिक समानता के हम पक्षधर हैं। सवाल उठता है कि आप 10% की वकालत कर रहे हैं, वह सभी लोग चाहे वो जिस धर्म से आते हैं, जो खास करके आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसको सबल करने के लिए, उसको सहायता पहुंचाने के लिए, अवसर देने के लिए आपने लाया है। हमारा सिर्फ तर्क यही है कि हम इसके खिलाफत से ज़्यादा सबसे इनके लाने के तरीके का हमने विरोध किया। सवाल मेरा साफ है ये उठता कि रोजगार तो सवाल कई लोगों ने उठाया, रोजगार है नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बहुसंख्यक चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो या बीसी हो, आप जो 85% आबादी है उसको आप कैसे आप रेखांकित करेंगे कौन कितने गरीब हैं और कमजोर हैं? तो जो जातिगत जनगणना था उन जनगणना को अगर आधार मान कर करके उसमें जो सही रूप में शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक रूप से जो सबसे कमजोर हैं या जो भीख मांगने लोग वाले लोग हैं या 51% जो दिहाड़ी मजदूर हैं या 13% लोगों के पास जिनके पास घर नहीं है रहने का, उन लोगों को रेखांकित कर करके जो भी गरीब है 10 क्या, अगर स्वर्ण वर्गों में अगर 20 की जरूरत पड़ती है 20 दे दीजिए, हम उसका खिलाफत नहीं कर रहे। सवाल है कि आपके लाने के तरीके सत्रावसान के समय में ऐसे समय में आपने यह निर्णय लिया जबकि आधा देश में आपकी मर चुकी है, रोजगार के अवसर है नहीं, रोजगार आपने दिए नहीं, वादा खिलाफी के आपने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, सब तरह के चारों तरफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आपने कई तरह का ऐसे
छाल की जिसकी प्रगति आज देश देख रही है, तो हम उन सवालों पर आज भी अडिग हैं। हम चाहते हैं कि इनको अवसर प्राप्त हो, लेकिन आप एक बार आप जो देश के अंदर में जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी बीपी सिंह की सरकार के खिलाफ मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के निकल गए। आप तो आरक्षण विरोधी आपके शुरू में बुनियाद में ही है सवाल। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि सशक्त हो, आगे जाकर कोई तकनीकी बाधाएं उत्पन्न नहीं हो जिससे लोगों को आर्थिक आधार कभी राजनीतिक गलियारों में सुनाई देता नहीं था, और इसीलिए एक एक रोष आते जा रहा था उस वर्ग में जो आर्थिक तौर पर अपने आप को कमजोर मानता था, उसे लगता था कि हमारी क्या गलती है कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, अध्यक्ष अखंड भारत मिशन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन जी, जो तस्वीर आज हम आरक्षण की देख रहे हैं, जहां पर अब 59.5% आरक्षण इस देश में होगा, आप सब चीजें जो सामने दिख रही हैं उससे सहमत हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी इस चीजों को कभी, हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, बचपन से हम लोग आरक्षण के विषय में सुनते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए किसको, जो मजबूर है, जो गरीब है, जिसके पास में सुविधा नहीं है, और जिनके पास में सुविधा है वो किसी भी जाति का हो उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई मजबूर है उसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो किसी भी जाति का हो उसको आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूं समर्थन तो सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी बता देती हैं, टाइमिंग को लेके प्रश्न उठा देती हैं। अरे भाई, आप लोग तो हमेशा से ही कभी एमपी बनकर कभी मंत्री बनकर साथ में रहे हैं, तो तब आप लोगों ने ये उस समय क्यों नहीं किया था, और क्यों ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की थी जिससे इस देश का प्रत्येक नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है उस व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके और वो भारत के विकास में अपना भी योगदान कर सके। ये व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गई थी, आज इन व्यवस्थाओं को करने में 70 साल क्यों लग गए, और आज अगर ये व्यवस्था शुरू होने जा रही है आप इस पर टाइमिंग पे लेके प्रश्न उठा रहे हैं, तो टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं। अब एक जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए, आप कदम उठाइए, उनका सपोर्ट कीजिए और इसको बिल को पास कीजिए, और जो भारत में जी, पैदा हुआ जी, हम सीधे अपने दर्शकों को इस समय आगरा लेकर चल रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रैली को संबोधित, ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। और इसलिए हमने कहा था कि पहले संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होता, और आज मुझे खुशी है जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था, आज प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया, संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़े, और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के उच्च वर्ण के लोगों को भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए, मुझे बताइए ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो, उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते, और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए, 5 साल में एक बार ही चुनाव, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खर्चा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दिन रात इसी में लगे रहना बंद होना कि नहीं होना है? सरकार 5 साल पूरा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो बार बार चुनावों में लगे रहे, पुलिस के लोग कानून व्यवस्था देखेंगे कि चुनाव के डिब्बे संभालेंगे, यही चलता रहता है। लेकिन ये नेताओं को देश की चिंता नहीं है, उनको तो
जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। आप मुझे बताइए, ये चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चौकीदार ने किसी से डरना चाहिए क्या? ये चौकीदार पर आपका आशीर्वाद है क्या? ये चौकीदार ने ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश का लूटा हुआ धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर चौकीदार, मैं हर देश को एक एक चौकीदार के रूप में खड़ा करने पर लगा हुआ दोस्तों। भाइयों बहनों, सवर्ण समाज के गरीबों के लिए जो आरक्षण का काम हुआ है, संसद ने बहुत बड़ा काम किया है। देश के हर नागरिक का, संसद के सभी साथियों का समता और समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए जो जो भी आगे आए हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस कदम से देश के लाखों युवा साथियों को अवसर मिलेगा जो अभावों के कारण, गरीबी के कारण पीछे रह जाते थे। गरीबी किसी के विकास में, किसी के भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अड़चन ना बने, इसके लिए ऐतिहासिक पहल की गई है। भाई और बहनों, सिर्फ नियुक्तों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, बल्कि देश में उच्च शिक्षा, टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। जैसे हमने ये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया, तो साथ साथ ये भी निर्णय किया है कि जो उच्च शिक्षा की सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी का हक छीना जाए। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में जो एक खाई बनी है, उसके आधार पर दशकों से इसकी मांग चल रही थी, इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुट गई है। गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े मंच पर अब झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने के काम में जुट गए हैं। समाज में बंटवारे से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनकी हर चाल, हर साजिश को हमें पूरी तरह परास्त करना है। साथियों, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, नागरिकता से जुड़े कानून में संशोधन का। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे
जो कभी भारत भूमि का ही हिस्सा थे, बंटवारे के समय और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों के चलते जो हमसे अलग हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी मंच से उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है जो सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण किस बात का। श्वेता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी श्वेता जी, देखिए जो कदम नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार ने उठाए हैं, मैं समझता हूं वो ऐतिहासिक है, क्योंकि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दिया था, लेकिन गरीबी और बड़ी और बदतर हुए जो कंडीशन प्रिवेल करते थे। अब इस संवैधानिक संशोधन से एक रास्ता खुला है कि जो गरीब है उसको हम मुख्य धारा में कैसे जोड़े और उसको हम कैसे शिक्षा का लाभ दें, कैसे उसको नौकरी मिले। दूसरी बड़ी खास बात इस संशोधन की ये भी है कि जो अभी आरक्षण मिल रहा है अनुसूचित जनजाति और जाति को और ओबीसी को, उसको छेड़ा नहीं गया है, बल्कि 10% आरक्षण ऊपर से दिया जाएगा। तीसरी बात, ये रिलीजन न्यूट्रल है कि अगर कोई मुस्लिम वर्ग से भी है, सिख वर्ग से है या ईसाई है या हिंदू है, अगर वो इस क्राइटेरिया में आता है तो उसको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और यही सबका साथ सबका विकास केवल लारा नहीं, आज हम देख रहे हैं कैसे उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि जब नौकरियां हैं ही नहीं तो आरक्षण कैसे देंगे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं श्वेता जी। नौकरियां, रोजगार के अवसर मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ दिए गए, ये आंकड़ा हम लोग सार्वजनिक कर चुके हैं। 81 लाख ईपीएफ नए अकाउंट बने जो दर्शाता है एक साल में ये नई नौकरियां आई। और इसका लाभ ये होगा कि कौन सा वर्ग है समाज में जिसको सबसे ज्यादा इन नौकरियों की जरूरत है, उनको जरूर ये आरक्षण मिले और वो इससे लाभान्वित हो। आज बड़ा सवाल तो ये है कि जो 55 साल सत्ता में रहे, जिन्होंने इस देश को आगे नहीं बढ़ाया और गरीबी को नहीं खत्म किया, वो कैसे सवाल उठा सकते हैं इस नई व्यवस्था पे। और ये लोग हर बात पे मोदी जी का विरोध करते थे, आप सोचिए गुणवत्ता पे ये जो लाया जा रहा है संवैधानिक संशोधन कितना बेहतर है कि ये भी मजबूरी में छोटे दिल से, अंदर से नहीं चाहते लेकिन छोटे दिल में इसका समर्थन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अगर समर्थन नहीं एक समाज को तो इनको जनता जवाब देगी, गुस्से का डर है, ये भी धीरे धीरे साफ होते ही जाएगा। जफर सरीशवाला जी, हिंदू मुस्लिम सिख जिनको भी नहीं मिला है रिजर्वेशन, उनके गरीबों को ये आरक्षण, क्या तस्वीर बदलेगी हिंदुस्तान की? देखिए श्वेता जी, मैं हमेशा से एक बात मानता हूं, जो मैं भी कई सालों से जो काम करता हूं समाज के नीचे वर्ग में, तो मेरा हमेशा माना था कि जो अंडर प्रिविलेज जो है ये कास्ट नहीं है, क्लास है। और अंडर प्रिविलेज में हमेशा देखता था कि अगर एक मुसलमान बहुत अमीर है और पावर है तो वो चीफ मिनिस्टर के कमरे में जा सकता है, लेकिन एक अनाविल ब्राह्मण है लेकिन गरीब है तो वो हमारे यानी दफ्तर में चपरासी से भी नहीं मिल सकता। तो ये जो है क्लास है। और अगर ये होता है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए, यानी ये चिकन एंड एग स्टोरी है। ये आपकी जो बात थी असल कि भाई नौकरियां तो हैं नहीं तो आरक्षण कैसे, तो मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे संविधान में आरक्षण 1952 में आ गया था, तब तो हिंदुस्तान में नौकरियां भी नहीं थी, तो वो जो रिजर्वेशन शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का जो आया या ओबीसी का बाद में आया, तो पहले आया नौकरियां बाद में आई। तो ये इंतज़ार करना कि साहब नौकरियां हो जाएगी तब हम ये लाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी ज्यादती है। लेकिन अब ये जो भी है, और देखा आपने खुद बताया बार बार कि सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, और मैं समझता हूँ ये कानून बन जाएगा। तो मुसलमानों के बारे में हमेशा ही आता था, जब भी
आरक्षण की बात आती थी जैसे महाराष्ट्र में कि भाई नहीं मजहब के नाम पे नहीं दिया जा सकता, ये हमेशा रहता था। यूपी में कभी किसी ने कहा 9% मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें अब और बहस खत्म हो जाएगी और मुसलमान भी और वाकई मुसलमान बहुत कमजोर है हर एतबार से। संघ के जानकार राघव अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे कमजोर है तो क्या ये एक जो आरक्षण को लेकर एक सवाल उठता था हमेशा, दो तरह की चीजें थी, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण और आर्थिक आधार पर भी आरक्षण, लेकिन इसका सीधा मतलब यह भी हो गया कि 60% अब छू रहा है आरक्षण। राघव जी आवाज आ रही है आपको? चलिए उनके पास आगे चलेंगे। सतीश प्रकाश जी जो कि बीएसपी समर्थक हैं। मोदी जी बोलने लगे बीच में। जिस ढांचे की बात हम कर रहे हैं, जिस आर्थिक आधार पर आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, बीएसपी को इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जातीय आधार थोड़ा पीछे रह जाए और आर्थिक आधार जो कि ज्यादा होने वाला है? नहीं, पर ये ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो, क्या आज का भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं? नहीं, देखो ऐसा है ना कि जितनी यहां बहस हुई है उस बहस में एक बात तो निकल के आया कि लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति, मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति को अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, सड़क सब चाहिए उसको, वो उसके अर्थ पूरी कर सकता है, लेकिन एक सामाजिक सुरक्षा भी है और इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी है। तो सामाजिक सुरक्षा पे क्या होंगे? अब जफर साहब ने जो कहा, चूंकि मुस्लिम में जाति होती नहीं, उसका भारतीय चरित्र ये रहा, वहां जाति जाति है। होती है। नहीं, वह जाति है, वहां है, ये उसका भारतीय संस्करण है। लेकिन देखो इसमें एक श्वेता जी, इसमें एक बहुत बड़ी एक लंबी चीजें हैं कि आरएसएस की और बीजेपी की बड़े लंबे समय से ये मांग रही है कि आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक रहे। उसका कारण है क्योंकि आरएसएस चाहता है कि उसका जो जातीय जो हिंदू एकता है उसमें कहीं ना कहीं जातीय आधार पर जो आरक्षण अगर लागू होगा तो उसकी हिंदू एकता को कहीं ना कहीं जो कमजोर होगी, क्योंकि आरक्षण पाया हुआ व्यक्ति, ये सच है बिल्कुल, अगर वो एससी एसटी या ओबीसी में जैसे ही आरक्षण पाते हैं उनको सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो उनका जो सामाजिक चेतना उसमें होती है और ये सिद्ध भी हो चुका है इस देश में कि लोग बढ़े। और एक बात और बताऊं आपको कि देखो अगर इस देश में गरीब की डेफिनेशन आपने चेंज कर दी, गरीब को आपने नौकरी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, लेकिन 1-8 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब है, और अगर इस देश में मिनिमम वेज की आप बात करते हैं तो 345 रुपए आज की डेट में है जो भारत सरकार को है, तो आप मुझे यह बताइए कि अगर 8 लाख कमाने वाले जो 8 लाख एनुअल इनकम है अगर वो सरकार की नजरों में गरीब है तो मुझे लगता है कि उससे सरकार को कर लेने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। दूसरी बात, चूंकि ये कांग्रेस का भी आरोप है और बाकी पार्टियों का भी ये आरोप है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कुछ नौकरियों की जो संभावना है वो कम हुई है, लेकिन इससे पहले की जो बीजेपी जो कांग्रेस की सरकार है उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं डिस इन्वेस्टमेंट के नाम पे सरकारी संस्थाओं में जो नौकरियों को कम किया है। अगर सरकार वास्तव में लोगों की मदद करना चाहती है तो इस आरक्षण का दायरा बढ़ा सकती है और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वहां रिजर्वेशन लागू कर सकती है, और इसमें ये नहीं बच सकते प्राइवेट सेक्टर में जब रिजर्वेशन लागू करने की बात होती है। बाबा साहब ने 10 साल के लिए कहा था ना? नहीं, बाबा साहब ने कौन सा कहा था? नहीं, जब शुरुआत हुई थी इसके आधार, देखिए जी, देखिए आप स्वावलंबी बनाने की बात कर सकते हैं, आप इस देश में 100% को आरक्षित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उस परंपरा को शुरू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, देखो इस देश में दलितों ने आरक्षण नहीं मांगा, कौन कहता है कि दलितों ने आरक्षण मांगा? जब 32 में गांधी जी और बाबा साहब के बीच में जब पैक्ट हुआ तो हमने आरक्षण नहीं मांगा, हमने तो यह कहा था कि हमको राजनीतिक जो आपका पृथक निर्वाचन चाहिए। गांधी जी उस बात को माने नहीं, और इस देश में गांधी जी का जो आमरण अनशन है वो 21 दिन सबसे लंबा दलितों के खिलाफ चला। इससे पहले दलितों, गांधी जी का कोई भी आमरण अनशन है उसमें उन्होंने हमेशा अधूरा छोड़ा, और हमने इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए जब इस देश में अलग अलग मांग हो रही थी तब इस देश के दलितों ने यह कहा कि ठीक है हम बाबा साहब की बात मान हो, इस देश का नया जो सबसे पिछड़ा वर्ग है वो गरीब ही, आप हिंदू मुस्लिम दलित सब छोड़ दीजिए, देखिए
जो ऐतिहासिक गलती है, इतिहास ने जो गलती की है, अब हम इतना आगे निकल चुके, हमको इन विषय के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको लगता है अगर सरकारें गरीबी उन्मूलन में कामयाब नहीं है तो हमको बड़ी खुशी होगी कि अगर वो आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ सकती है। आरक्षण दिया जा रही है जी, मुझे आ रही है जी। आपसे दरअसल हमने सवाल पूछा था और उसके बाद आपसे संपर्क टूट गया। यहाँ पर अभी अभी आप पर सतीश प्रकाश जी ने आरोप भी बहुत लगाया है कि ये वही व्यवस्था है जिसकी कोशिश संघ लगातार कर रहा था अपनी तरफ से। नहीं, मैं उसमें दो चार चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो हमारे मित्र शक्ति सिंह यादव जी अभी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के विरोध में कमंडल लाई। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी उनके एलाई हैं, उनका भाषण उठा के देखें जो मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने लोकसभा में दिया था। पहली बात तो ये। दूसरा, जहां तक संघ का सवाल है, संघ ने हमेशा अंत्योदय की बात करी है कि जो सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको जो है सरकार को काम उसी के लिए करना चाहिए। अब यदि कोई सवर्ण है जो जनरल कैटेगरी में है, चाहे वो किसी का भी धर्म का हो, उसके लिए अगर अलग से प्रावधान किया जा रहा है तो मुझे लगता नहीं कोई सही बात करने वाले व्यक्ति को उससे समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरा, हाँ, उससे आगे एक और मेरा कहना है कि जो बाकी 50% आरक्षण है उसमें जो 27% ओबीसी कोटा है उसमें तो क्रीमी लेयर हटाई ही जाती है। मेरा ये मानना है कि जो बाकी 22% जो है एससी और एसटी कोटा है उसमें भी हर एक सीट को भरना चाहिए, हर एक सीट को दलित और आदिवासी समाज के लोगों से भरना चाहिए। लेकिन वो दलित और आदिवासी समाज के लोग जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, उनके जो क्रीमी लेयर जो बन चुके हैं उनको उससे अलग रखना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं किसी को समस्या हो सकती है। मैं ये मानता हूं 50% जातिगत आरक्षण रहे, उसके अलावा सवर्णों के लिए भी आर्थिक आधार पर हो, और जो बाकी 50% आरक्षण है उसमें जो सबसे गरीब हो और जो सबसे पिछड़ा हुआ हो हर मामले में सोशली और एजुकेशनली उसको प्रेफरेंस दी जाए, चाहे उसमें आप महादलित और अति पिछड़ा की कैटेगरी की अलग सब कैटेगरी बना के आरक्षण दें, या आप जो है उसमें से क्रीमी लेयर को हटा दें। ये मेरा मानना है। मुझे लगता है किसी को समस्या हो चुकी है, चाहे अब संघ पे कोई पसंद करे, कोई तर्क दे। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, अभी अभी जब प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप का जवाब दिया जहां पर आरोप ये लगाए गए कि आप चुनाव से पहले ये कदम उठा रहे हैं। देश में तो हर 3-4-5 महीनों में एक चुनाव होता है, तो कभी भी ये कदम उठाया जाता? आरोप तो यही लगाते हैं आप लोग। देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में तो आकर कुछ बोलते नहीं हैं। लोकसभा में राफेल पे चर्चा कर लो, भ्रष्टाचार पे चर्चा कर लो, इस मुद्दे पे अभी चर्चा चल ही रही है, कल पूरा दिन लोकसभा में चली है, आज राज्यसभा में चल रही है, प्रधानमंत्री वहां पे बात तो करेंगे नहीं। वो जाकर अपनी मन की बात, एक तरफा बात जाकर लोगों के बीच में रखने का काम करते हैं, जहां पे ना जवाब लेंगे, ना जवाब देंगे, ना सवाल लेंगे। तो ये आज पूरी हकीकत है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनकी मंशा यही थी कि उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, तो ये पूरा काम उन्होंने 4.5 साल पहले ही कर चुके होते। अब आकर मंचों पे जाकर आप चौकीदारी की बात करते हैं। मुझे बताएं, देश में ऐसे कौन सा सोसाइटी होगी जो एक ऐसे चौकीदार को रखेगी जिनने चोरी की है और अपने आप को वो खुद क्लीन चिट देते हैं? अरे, क्लीन चिट देने का मौका जेपीसी को दीजिए ना, आप मंचों पे जाकर बोल रहे हैं। तो दिक्कत आज देश का ये है और दुर्भाग्य भी इस देश का ये है कि प्रधानमंत्री मंचों पे जाकर बोलते हैं, चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं, पर जहां उनको पार्लियामेंट में वोट कर बनारस की जनता ने भेजा है कि जवाब सवाल करिए, वहां से वो भाग खड़े होते हैं। तो यही हम बार बार कह रहे हैं, इस पे भी आकर आप चर्चा करिए, हम जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब दे दीजिए। तो यही दिक्कत है पूरी भारतीय जनता पार्टी में और यही दिक्कत है। श्वेता जी, मैं समझता हूँ राफेल पे आज चर्चा है नहीं और हम लोग बहुत चर्चाएं इस पे कर चुके हैं, लेकिन एक बात सबको पता है, पूरा देश ये जानता है, खानदानी चोर है तो गांधी परिवार है, नेशनल हेराल्ड केस हो चाहे वो ऑगस्टा वेस्टलैंड हो। आज जो चर्चा है, मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा। आपको याद होगा राज बब्बर जी ने एक बात कही थी जब बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की बात आई थी, उन्होंने कहा 12 रुपए भी बहुत हैं, इसमें खाना गरीब को मिल सकता है। ये इनकी संवेदनशीलता थी गरीबों के प्रति। 1971 के नारे की गरीबी हटाओ मैं बात कर चुका हूं। आज जो गरीब है, अगर उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही या शिक्षा नहीं मिल रही, तो मैं समझता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखाया है कि कैसे उनको भी हक है कि शिक्षा मिले, नौकरी मिले और वो मुख्य धारा से जुड़े। और ये
गेम चेंजर लोग इसको कह रहे हैं, गेम चेंजर से बढ़ के नेशन चेंजर है। इससे हमारा देश बदलेगा, और क्यों बदलेगा, कि ये वोटों की राजनीति के लिए नहीं किया जा रहा। अभी ये कह रही थी चुनाव से पहले, चुनाव से पहले तो लिंगायत मुद्दा लाया गया था कर्नाटका के चुनाव से, चुनाव से पहले जो 35 साल से फाइल रुकी हुई थी वन रैंक वन पेंशन की, क्लियर करी 2014 से क्योंकि चुनाव थे। और आपको याद होगा फार्म लोन वेवर 2009 में से पहले किया गया, ये होता है चुनाव से पहले केवल चुनावी वोटों के लिए साधना, जो अब हो रहा है इससे अच्छा कोई बदलाव संविधान में नहीं आ सकता था। और न्यायालय की मोहर भी इस पे लगे, इसीलिए संवैधानिक रूप पे लाया जा रहा है, जैसे नरसिम्हा राव ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लाए थे वैसा कमजोर काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं कर रही। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डैनियल फ्रांसिस भी जुड़ गए हैं, पहले उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लें इस पर। ये जो अतिरिक्त 10% डैनियल जी दिया जा रहा है, उसको आप नई सदी के भारत से जोड़कर कैसे देख रहे हैं कि 60% अब हमारे देश में आरक्षण होगा? नई सदी के भारत में 60% आरक्षण, युवा उसको कैसे देखते हैं, महिलाएं उसको कैसे देखते हैं, और एक नया 21वीं सदी का भारत कैसे देखता है, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने बहुत लोगों के साथ बात की, और जब ये आरक्षण की खबर आई तो आज ऐसा हो गया है कि समझो दिल्ली में एक घर में काम करने वाली महिला हो, उसका परिवार हो, जिनकी इनकम होगी 50,000 रुपये पूरे साल की, और जिस घर में वो काम कर रहे हैं समझो वो टीचर है, और उनकी इनकम होगी 7 लाख या 7.5 लाख पूरे साल की, ये दोनों को एक ही कैटेगरी में लाया गया है। तो जो अति गरीब है, जो बाय डेफिनेशन एक गरीब के घर में काम कर रहा है, और मुझे तो नहीं लगता कि 8 लाख की इनकम वाला कैप वाला परिवार गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग का परिवार आता है। तो जो ये स्कीम बनाई गई है जिससे एक संदेश भेजा गया है कि ज़्यादातर लोगों को अभी आरक्षण मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता इससे आरक्षण होगा। और जो अति गरीब है और जो सचिव गरीब है, शुरुआत के तौर पर भी नहीं देखना चाहते? नहीं, मैं शुरुआत के तौर पर भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है वो एक गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति का है, और मध्यम वर्ग के घर के व्यक्ति के पास अवसर ज़्यादा है गरीब से। तो अगर ये स्कीम लानी थी तो वो जैसे यू नो कोई बोल रहा था कि कांग्रेस ने मजाक उड़ाया कि 12 रुपए में भी खाना खा सकते हैं, ये गरीब को एक मजाक ही उड़ाना हो गया कि आप बोल रहे हैं कि जिसके पास 8 लाख रुपए की सालाना आए हैं वो गरीब है और उसको इस स्कीम का फायदा होगा। शक्ति सिंह यादव जी, जब सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट भी आई और आरक्षण को देखा गया कि क्या आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है तो किसे दिया जा सकता है, या उससे पहले भी जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं उनमें एक बात का जिक्र भी बार बार होता है कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी दलित और जो ओबीसी जिन्हें मिला हुआ था आरक्षण, वहां पर सभी जातियों को समान फायदा मिल रहा है। कुछ ऐसी जातियां रही हैं जिनको फायदा अधिक मिला है, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया जाता है उस कोण को छूने का। और जब आर्थिक आधार पर बात होती है तो आप फिर बारीकियों में जाते हैं दूसरे। नहीं, स्मिता जी आप समझ रहे, इसमें मैं एक बात करनी चाहूँगी। इंद्राणी की जो रिपोर्ट आई है उसके आलोक में जो भारत सरकार ने पिछले साल जो क्रीमी लेयर में जो छेड़छाड़ की जो बातें, उन्होंने कहा कि इन इन जातियों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिल रहा है। तो हम तो ही कह रहे हैं ना कि आज 10% के आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो समान वर्ग हों या आप जो स्वर्ण कहते हैं, तो आप उनमें भी वो कैटेगरी लाना चाहते हैं। आरक्षण का मतलब सिर्फ रोजगार अगर है तो हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जिनको जातिगत नाम लेकर के पुकारा जाता था, उनको एक अवसर प्रदान करने का भी एक माध्यम था आरक्षण। आरक्षण सिर्फ रोजगार ही नहीं था, क्योंकि रोजगार के अवसर जिस तरह से देश में लगातार देखिए रोजगार के अवसर जिस तरह से देश में छिन हुई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बातें कही, श्वेता जी आपने देखा मंच से कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही जोर से कहा कि भाइयों और बहनों हम लूटने दें, जो पैसे बाहर हैं उसको लाना है। तो 15 लाख तो लाए नहीं, अगर 15 लाख खाते में देते तो गैर बराबरी खत्म होती, वो अवसर उनको मिलता। जो आप देख रहे हैं कि आरक्षण हम देना चाहते हैं गरीबी के आधार पर, उनको आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो आप अगर पहल करते अपने वादे के अनुसार तो वही पर मिनिमाइज होता है। मुद्रा की बात कर देते हैं, अरे मुद्रा में कौन से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं?
आप किसकी बात करना चाहते हैं देश के अंदर में? आप कभी कभी सिलेंडर की बात कर देते हैं कि हम उनको आत्मनिर्भर बना दिए, बेचारा रिफिल करने के लिए पैसे नहीं है। आप समझिए, देश की हालात को समझना पड़ेगा। हमारा मानना है कि जब 85% लोगों के साथ अगर डकैती करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल खड़े होंगे, डकैती इस देश का आम आदमी इसे स्वीकार नहीं करेगा। कहीं आप आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, इतनी तो आपसे हिम्मत जा रहे हैं कांग्रेस के लिए कह सके कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चोरी करी है जनता के रुपए की। अरे भदौरी, ऐसा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की बात आपको जो मन में आ रही है ना, वो आप मैं आपसे केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर दे दीजिए। समझ में आएगी, संवैधानिक संशोधन है क्या, ये देश हित में है कि नहीं है? जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए। अरे भैया, कौन कह रहा है मिलना चाहिए? कि आप सही कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि मिलना चाहिए उन तमाम लोगों को, लेकिन जाति का पता कर लो भाई साहब, किस जाति के लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं। 55 साल कांग्रेस सरकार में रहे, करना पड़ेगा। अभी आप दायरा तोड़ेंगे 40 नहीं पड़ा, संविधान का अनुच्छेद 46 की बात कर रहे हैं। अरे भैया, एक तरफ जब आर्थिक आधार पर आरक्षण में संशोधन की बात करेंगे तो कल आरक्षण का दायरा 100 पे जाएंगे, आप इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। देखिए, पैनिक बटन जो है वो दब चुका है, जितनी विपक्षी पार्टी है तिलमिलाई हुई, घबराई हुई, आपको लेकिन लगता है कि हमारा जो नहीं है ये जो एक सकारात्मक कदम है इसका विरोध कर दे, अगर विरोध करेंगे देश तो सफाया कर देगी जनता, आपको ये महंगा पड़ेगा छेड़छाड़। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको अवसर नहीं दीजिए, स्वर्ण वर्ग के लोग में, समान वर्ग के लोग में जो हैंड टू माउथ है, ठीक है नहीं। आरक्षण के पीछे की जो मंशा है ना, वो बड़ा गंभीर विषय है, और ये सच है कि आरक्षण जिन जिन लोगों ने पाया है उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया है। जिन लोगों ने एक समय में जातियों के आधार पर आरक्षण की मनाई की थी, आज वही जातियां आरक्षण को चाहती हैं। तो इसका मतलब आरक्षण एक महत्वपूर्ण टूल है। जाति के हिसाब से नहीं चाहती हैं? नहीं, आप मेरी आर्थिक आधार पर नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, आरंभिक अवस्थाओं में जो आरक्षण मिला या जिनको आरक्षण मिल रहा है, आज हर जाति आरक्षण चाहती है। इसका मतलब आरक्षण एक महत्वपूर्ण चीज है और उसके ऊपर गंभीरता से विषय होना चाहिए। मेरा मानना यह है, देखो उन्होंने एक, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एक काम करने वाली महिला और एक जिसके घर में वो काम करने जा रही। देखो, आरक्षण से अगर आपको नौकरी चाहिए तो हर नौकरी की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर मेरा मानना यह है कि आप अगर आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दे रहे हैं, अगर शिक्षा में या शिक्षण संस्थानों में भी अगर 10% इस बात के लिए लागू कर दें कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या 2 लाख है उसकी लिमिट वहां घटा दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। मेरा मानना ये जी, चर्चा को आखिरी चरण में ले जाते हुए देवकी नंदन जी, मैं आपका रुख, श्वेता जी मैं कुछ बोल सकती हूँ, प्रियंका जी हम एक बार देवकी नंदन जी को जोड़ लें, चूंकि बहुत देर से वो नहीं जुड़ पाए हैं इस चर्चा में। देवकी नंदन जी, आपने अपनी खुशी जाहिर की थी कि आखिरकार सवर्णों को मिल रहा है आरक्षण यहाँ पर, लेकिन हम सवाल यहीं पर उठा रहे हैं कि अब 50 से 60 की तरफ बढ़े हैं हम, अब इसके आगे कहां तक? देयर आर चिल्ड्रन। का बहुत बहुत साधुवाद है कि आपको इतनी देर मेरी बात याद आई। और इन लोग जो राजनीतिक लोग बैठे हैं, इनको तो आप हर दिन सुनते ही, और इनका अपना अपना व्यू है, अपनी पार्टी की तरफ भी इनको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और इन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आज जब ये समय आ गया है तो इन लोगों को एक दूसरे की टाइमिंग का याद आ रहा है। इस यहाँ जितने भी राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, कभी ना कभी ये सरकार में रहे हैं और कभी ना कभी सरकार में रहे हैं, उनको ये मौका मिला था कि आज जो जिस बात को ये उठा रहे हैं कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है, ये पहले इसको कर सकते थे लेकिन तब इन्होंने नहीं किया। और जब आज ये बारी आई है, आज ये मौका आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, इस सवाल का जवाब हम प्रियंका जी से ले लेते हैं, बहुत संक्षेप में प्रियंका जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए, हम एक ब्रेक के लिए उसके बाद रुकना पड़ेगा। देवकी नंदन जी, आपने शुरुआत के स्टेटमेंट में भी यही बात कही और मैं आपको फिर से रिकरेक्ट करना चाहूं, आपको करेक्ट कर दूं भाई साहब, यहां पर हम लोग हर पक्ष की बात सुनकर, आज संविधान में कुछ भी संशोधन होता है तो हर उसकी चीज को अच्छी तरीके से देखकर नाप तोलकर तब संशोधन किया जाता है। हम तो समर्थन में खड़े हुए हैं कि हाँ इसका फायदा सबको मिलना चाहिए और हम समर्थन किया, कल हमने लोकसभा में वोट किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आपको आपत्ति किस बात की है, आपको आपत्ति किस बात की है? हम तो कर रहे हैं, जो
भारत में जिसने जन्म लिया है, भारत में एक सेकंड, भारत में जिसने जन्म लिया है वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी स्थिति में हो, अगर गरीब है तो उसे वो मौका मिलना चाहिए, उसे जॉब मिलनी चाहिए, उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं दंगल में चर्चा हम लगातार जो कर रहे हैं वो एक तो गौरव भाटिया टाइमिंग को भी लेकर सवाल उठे, लेकिन टाइमिंग में उल्टा पूछ रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जो राज्यों में हार आपकी हुई उसे देखते हुए, उस नोटा के बटन को देखते हुए डर की वजह से ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया? देखिए श्वेता जी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में ये बात बताई कि ये ऐसा देश है जहां जब हम कहते हैं वन नेशन वन पोल तो उस पर भी आपत्ति दर्ज की जाती है, और कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होता है, अगर हम इससे पहले लाते तो भी कोई चुनाव लेकिन चल रहा की होता। नाराजगी थी, मैं ये मानता हूं, देखिए इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये एक सकारात्मक कदम है, और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये विपक्षी नारे रहे हैं, उससे देखिए राजनीति में कितना बदलाव आ गया है, ये बहुत ही वेलकम मूव है। जातीय नारा किसी भी तरफ से होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। कहानी अगर आप मुझसे कहें, नहीं, आपने कल भी अपनी चर्चा में इसका जिक्र किया था, इसीलिए मैं प्रियंका जी के पास आखिरी कॉमेंट के लिए जा रही हूँ कि प्रियंका जी आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस ने कभी भी ये कोशिश क्यों नहीं की, अगर आप साथ में अगर आज खड़े हैं, आप पीवी नरसिंह राव का जिक्र ना करें क्योंकि एक सशक्त कोशिश की बात मैं कर रही हूं। देखिए मैं फिर से जवाब देना चाहूंगी, इस समय पे 4.5 साल बाद जब कार्यकाल खत्म होने को है, हार सामने निश्चित है, तब आकर आप लोगों की बात करते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात इन्होंने बहुत सही कही, पहली बार उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ मैं सहमत हूं जहां पे उन्होंने कहा प्रजातंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो उनको याद दिला दूं नोटबंदी की आपकी बात करी, उस पे उत्तर दीजिएगा प्रियंका जी, रोजगार बर्बाद करने का 12 रुपए में गरीब खाना खा सकते हैं, राज बब्बर जी ने कहा था बिलो पॉवर्टी लाइन पे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा, एक ही साल में 1.1 करोड़ रोजगार किसी के खींच लेना, 5 करोड़ गरीब जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए क्योंकि प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 4.5 साल में, बेरोजगारी की दर देखिए सबसे उच्चतम स्तर पे है 7.3%। चलिए तो जब हाँ शर्मनाक है इस देश के लिए, जहाँ रोजगार नहीं है वहाँ पर बेरोजगारी की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, दंगल में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।